खबर चंदौली से है इस वक्त की। अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे गंगा नहर में जा गिरी, पानी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खंडवारी पीजी कॉलेज के पूर्व चीफ प्रॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी भी मृतकों में शामिल हैं। बलुआ थाना क्षेत्र के मथेला गांव के पास यह हादसा हुआ। जा गिरी, पानी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत। आज हमारे समाज जुड़ गए विवेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग बनारस जा रहे थे, जो बनारस से गंगा नहर आते हैं, मथेला गांव है, वहां पर लोग स्कॉर्पियो से सवार थे। आपको बता दें कि घना कोहरा होने के कारण है, लोग तो अंतरिम तो ये देख नहीं पाए कि पास में नहर है, उनकी धोकर स्कॉर्पियो उसमें नहर में गिर गई, जो सीसा और लाख होने के कारण कोई सुबह पहले के कारण कोई देख नहीं पाया। 3 लोगों को दम घुटने से मृत्यु हो गई, उनमें एक खंडवारी के पीजी कॉलेज के चीफ प्रैक्टर ओम प्रकाश तिवारी भी मृतकों में शामिल। 3 लोग हैं, अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जी तो विवेक, अभी शव बाहर निकाले जा चुके हैं या नहीं? क्योंकि अगर गाड़ी गंग नहर में गिरी है तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों को पता भी नहीं चला होगा क्योंकि इतना कोहरा था। जी आपको बता दें कि मालूम नहीं चला, लेकिन कुछ दिन के बाद जो लोग सुबह चलने निकले तो लोगों को मालूम हुआ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तो को निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। लोगों के भीड़ जिला अस्पताल इकट्ठा हुई है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।